तुम्हारा टॉपिक है स्ट्रोक, जिसको उर्दू में हम लोग फागिश कहते हैं, और सेकंड नेम इसका ब्रेन अटैक है। ये होता कैसे है? जो ब्रेन की वो आर्टरी वेन ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उसमें कोई क्लॉट आ जाता है, या तो फिर वो आर्टरी रप्चर या बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास चार सिम्टम्स होते हैं। अर्ली अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास चार के सिम्टम्स है। फास्ट, एफ से फेस ड्रूपिंग, एक तरफ से इसका चेहरा जो होगा वो लटक जाएगा, ड्रूपिंग होगी। सेकंड होता है आर्म वीकनेस, इसका एक हाथ जो होगा ना वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आपको बोलेंगे जिस हाथ में वीकनेस उठाने को, तो वो उठा नहीं पाएगा। थर्ड जो है वो है हमारे पास स्पीच, उसकी स्पीच जो है ना वो स्लर्ड हो जाएगी, वो हकलाने लगेगा। जिसको हम लोग चेक करने के लिए बोलेंगे कि वंस इन अ ब्लू मून बोले, तो वो बोल नहीं पाएगा। ये तीन सिम्टम बताते हैं कि इट्स नाउ टाइम टू कॉल। तो ये चार जो है, अगर किसी को अगर स्ट्रोक होता है तो ये चार अगर उसमें सिम्टम नजर आते हैं, फास्ट, फेस ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच स्लर्ड, टाइम टू कॉल, तो हमें हम पेशेंट को फौरी वक्त पर, टाइम पर पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।